कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मार्च में अयोग्य ठहराए जाने के बाद से राहुल गांधी संसद की तमाम सदस्य समितियों से बाहर थे। मोदी सरनेम मामले में गुजरात की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली और उनकी सजा पर रोक लग गई। 4 अगस्त को राहुल गांधी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, राहुल गांधी लोकसभा से वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सांसदी बहाल होने के साथ सदन में भी नजर आए। इन तमाम जानकारियों के बीच खबर यह है कि राहुल गांधी को रक्षा संसद समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से यह बताया गया कि कांग्रेस के सांसद अमर सिंह को भी समिति ने नॉमिनेट किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी को भी रक्षा संसद समिति की सदस्यता के साथ जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के 9 निर्वाचित लोकसभा सदस्य सुशील कुमार रिंकू को कृषि पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग समिति के लिए नामित किया गया। इसके साथ ही एनसीपी के फैसल पी मोहम्मद को भी उपभोक्ता मामले और भोजन और सार्वजनिक वितरण समिति के लिए नामित किया गया है। भारत में रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति यानी SCOD रक्षा नीतियों के विधायी परीक्षण और रक्षा मंत्रालय के निर्णय लेने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्यों की एक विभाग से संबंधित स्थायी समिति है। यह उन 24 DRSC में से एक है जिन्हें मंत्रालय के विशिष्ट निरीक्षणगण के कठिन कार्य के साथ अनिवार्य किया गया है। समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें 21 संसद के निचले सदन लोकसभा से चुने जाते हैं और सदन के ऊपरी सदन राज्यसभा से 10 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और वे एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार अपने अपने सदनों से वार्षिक रूप से चुने जाते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। एक मंत्री समिति का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। इस समिति का काम रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अनुदान मांगों पर विचार करना और उस पर रिपोर्ट बनाना है, जिसे दोनों सदनों में पेश किया जाता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना भी इसका काम है, जिन्हें अध्यक्ष लोकसभा या सभापति राज्यसभा द्वारा समिति को भेजा जाता है। इस समिति के सदस्य रक्षा मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करते हैं। फिलहाल सांसदी बहाल के बाद राहुल को इस बड़ी और महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा बनाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।